बिश्नाह पुलिस ने आज पतंगबाजी करने वाले उन युवकों के खिलाफ अभियान छेड़ा जो कि गट्टू डोर का इस्तेमाल कर रहे थे। पुलिस ने बिश्नाह के कई घरों की छत पर जाकर छापेमारी की और गट्टू डोर से पतंग उड़ा रहे 5 युवकों को हिरासत में लिया। लोगों ने भी पुलिस की इस कार्रवाई की खूब सराहना की। लोगों का कहना है कि गट्टू डोर से कई लोग घायल हो जाते हैं और कईयों की तो जान चली जाती है। अब जब पुलिस कार्रवाई कर रही है तो लोग भी इसका इस्तेमाल कम कर रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ युवक पुलिस की चेतावनी को हल्के से ले रहे हैं, जिनके खिलाफ ये कार्रवाई आगे भी जारी रखनी चाहिए। बिल्कुल सही है। कितनी लोग, आपने कल भी एक फोटो डाली थी लड़की की, शायद कितनी बुरी तरह से वो जख्मी हुई थी। तो शिवम जी ने जो बोला बिल्कुल सही है। कोरोना जब आया था, जिस तरह से पुलिस वालों ने पोस्टर छपवाए थे कि मैं समाज का दुश्मन, उसी प्रकार से लोगों के छत पे जाके छापे करने चाहिए और जो भी बच्चा यहाँ पकड़ा जाए उसके पेरेंट्स को भी उठा लेना चाहिए, मैं तो ये कहना चाहूँगा। तभी जाके ये गट्टू डोर पे रोकथाम लग सकती है। तो आपके माध्यम से पुलिस SHO को मैं ये बताना चाहता हूँ कि आप इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई कीजिए और बंदों को मैं चाहता हूँ कि महीना महीना भर अंदर रखिए जिसके पास से गट्टू पकड़ा जाए। हम एज ए पब्लिक, हमारा यही रिएक्शन है कि जो चीज़ 10 से 15 दिन पहले होनी चाहिए थी वो आज हो रही है। बहुत ही बड़ा ही अच्छा कार्य कर रही है JKP बिश्नाह पुलिस। दिल से खुशी हुई क्योंकि इससे उन लोगों को शर्म आएगी जो 5-10 हज़ार रुपया पूरे सीजन में कमाएंगे गट्टू बेच के। कल को उनके ही बच्चे का गला कट गया, उनको खुद समझ नहीं आएगी कि हमने क्या कर दिया। बहुत अच्छा एक्शन है ये और ये जन्माष्टमी तक चलता रहना चाहिए। क्या बात है मिस्त्री, बड़ा परेशान लग रहा है। क्या बताएं बाबूजी, कई कंपनियों के कील लाए पर सभी के टेढ़े हो जा रहे हैं। इन कीलों ने तो परेशान कर दिया है। परेशानी दूर करनी है तो RK इंडस्ट्रीज के स्ट्राइक ब्रांड के कील और कब्जे ही उपयोग करो जो देते हैं मजबूती की गारंटी। तो चले फिर स्ट्राइक ब्रांड के कील लेने। बिल्कुल चलो। स्ट्राइक ब्रांड लगाओगे तो मजबूती पाओगे और परेशानी को भी भगाओगे।